तीन से चार वर्ष पहले एक वीडियो बनाए थे इस रोड की स्थिति के विषय में। यहाँ हुंकरा डिपा से लेके आगे जो खदान का रास्ता है, इसमें सैकड़ों की तादाद में खदान से कंपनी तक कोयला परिवहन के लिए गाड़ियां चलती हैं, जिसकी वजह से रोड पूर्ण रूप से जर्जर थी। इस विषय पर लगातार वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया और क्षेत्र के लोगों द्वारा कई बार संघर्ष किया और लोगों के प्रयास से, क्षेत्र के प्रयास से, समुदाय के प्रयास से आज लगभग 5 से 6 किलोमीटर का रोड बना है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं राहत है। पूरा धूल डस्ट प्रदूषण, चलने के लायक रोड नहीं था। जैसे इसमें भारी वाहन चलता था, कोयला वाला गाड़ी, उसके जो डस्ट जो उड़ता था रोड में, उसमें मोटरसाइकिल आने जाने वाले साइकिल जो पर जो राहगीर थे उनको कुछ रोड दिखता नहीं था। तो इस रोड को छोड़ दिए थे इधर के पब्लिक लोग। अब जैसे गांव, जैसे मेड़ कहीं है, कहीं कोई दूसरे गांव से भले ही क्यों ना 10 किलोमीटर सफ़र करने के लिए उसको 30 किलोमीटर घूमना पड़े, और रास्ता चयन करते थे, उसके थोड़ा सा सुधार आया है तो उसमें आने जाने के लायक थोड़ा ठीक। उसके लिए विचार किए गाँव के, और गाँव में हम लोग उसके बारे में बैठे और बैठ करके चक्का जाम कर दिए। और चक्का जाम करके हमने जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक हम लोग अनशन से नहीं उठेंगे कहा करके हम लोग बैठे ही रहे। और यहाँ तक कि 3-4 दिन हम लोग लगातार बैठे रहे रात और दिन। और उसके बाद में कंपनी वाला आया, और कंपनी वाला आया, SDM साहब आए, SP साहब आए, सब आए, और हम लोगों को बहुत आश्वासन दिए कि बन जाएगा कहा करके। तो हम लोग अडिग रह गए कि जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे कहा करके। जो हम लोगों ने पिछले कई बार संघर्ष करने के बाद कुछ तो बदलाव आया है, जैसे हम लोगों ने रोड को लेकर हुंकरा डिपा चौक में हड़ताल किए, तमनार में हड़ताल के लिए बैठे, उसके बाद गारे में बैठे, तब जाके कुछ तो बना है। जैसे हुंकरा डिपा से लेके गारे से कुछ आगे खमरिया पहुँच तक लगभग जिस 5-7 किलोमीटर का रोड ठीक ठाक बना है, लेकिन उससे जो आगे रोड है वो बहुत ही जर्जर है बना है। उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन जो आगे बना है, बनना है, वो भी जल्दी बने। आज मैं इस क्षेत्र में यहाँ वीडियो बनाने के लिए आया था, टायर के फिसलने की वजह से मैं भी गिर पड़ा, जिसकी वजह से मेरे सीने में चोट लगी हुई है। इस रोड के निर्माण के लिए धन्यवाद देने तथा आगे के रोड को जल्दी बनाने के लिए मैं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी से मिलने गया, परंतु दौरे पर होने की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं चाहता हूं कि तत्काल इस रोड का निर्माण किया जाए जो आगे 5 से 6 किलोमीटर बचा हुआ है। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहट के लिए।